क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव इसलिए जीत रही है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बदनाम हैं, जो हमेशा गरीबों का, दलितों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का उन्होंने शोषण किया है, जो शोषण के नाम पे प्रसिद्ध हैं, दलाली जिनका जीविका उपार्जन का साधन है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बदलने के साथ ही सिंगरौली जिले के शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल को बनाए जाने पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिरोमणि सहवाल ने अरविंद सिंह चंदेल के ऊपर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाया गया है जिसने बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रेणु साय के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा। इसके पूर्व भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कार्य किया था और ऐसे व्यक्ति दलाली में लिप्त रहते हैं, लोगों को लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में आए हैं, यह व्यक्ति पार्टी का कार्य करें, जो पद इनको दिया गया है उचित नहीं, इनसे योग्य व्यक्ति सिंगरौली जिले के कांग्रेस पार्टी में, ऐसे व्यक्ति को पदाधिकारी बनाना गलत है। ऐसे व्यक्तियों की वजह से जिले में 25 वर्ष से भाजपा के लगातार प्रतिनिधि विजय हो रहे हैं, बल्कि इसको दुर्भाग्य कहें कि जिस दिन से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है तब से कांग्रेस में आज तक कोई चुनाव नहीं जीता है सिंगरौली। सिर्फ 2000 में श्रीमती रेणु साह जी जो है मेयर का एक चुनाव जीती हैं, इसके बाद आज तक कोई चुनाव कांग्रेस पार्टी सिंगरौली में नहीं जीती है। लगभग ये 25 साल हो रहा है कांग्रेस पार्टी ने जाति समीकरण के आधार पर अच्छे अच्छे प्रत्याशियों को समय समय पर उतारा है। चूंकि कार्यकर्ता खराब होने के कारण पार्टी कई बार लगातार प्रत्याशी बदली, पंडित राम अशोक शर्मा को विधानसभा का टिकट दिया, आदरणीय राजा बाबा को दिया, महापौर का टिकट अयाज भाई को दिया, यहाँ तक माननीय इंद्रजीत पटेल जी को लोकसभा का टिकट दिया, यहाँ तक कि माननीय अजय सिंह राहुल भैया जिसको हम सब लोग, हमारे सब के नेता हैं, जिसमें हम सब लोगों को बहुत उम्मीद थी, आशा था, विश्वास था कि माननीय अजय सिंह राहुल भैया अगर सिंगरौली से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं हरा सकते। लेकिन कुछ बदनाम कार्यकर्ताओं की वजह से, जिससे सिंगरौली के लोग ऐसे कार्यकर्ताओं से नफरत करते हैं, जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हमेशा कांग्रेस विरोधी काम किए हैं, कांग्रेस को हराने का काम किए हैं, कांग्रेस को तोड़ने का काम किए हैं, कांग्रेस को ख़त्म करने का काम किए हैं, और अपने पदों का हमेशा उन्होंने दुरुपयोग किया है, भाई भाई से लड़ाने का काम किया है, आपस में लोगों का लड़ाई किया है, दलाली किया है, अपने निजी व्यवसाय के लिए, निजी स्वार्थ के लिए किसी का भी उन्होंने बुराई कर दिया, किसी को भी गाली दे दिया, किसी को भी झगड़ा कर दिया। ऐसे लोगों की वजह से भले सामने लोग सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं, सभाओं में जाते हैं, पर ऐसे लोगों को सिंगरौली की मतदाता वोट देना नहीं चाहते। आपको ताजुब होगा कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष बनाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा मिठाई बांटी जा रही है। इसलिए बांटी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कोई काबिलियत नहीं है सिंगरौली के नेताओं में, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की योग्यता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव इसलिए जीत रही है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बदनाम हैं, जो हमेशा गरीबों का, दलितों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का उन्होंने शोषण किया है, जो शोषण के नाम पर प्रसिद्ध हैं, दलाली जिनका जीविका उपार्जन का साधन है, लोगों को लड़ाने भिलाने का उनका जीवन पर्यंत इतिहास रहा है, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। आज जनता की तरफ से क्या खुल के विरोध कर रहे हैं कि मतलब उन्हें जो पद बनाया गया अध्यक्ष वो गलत बनाया गया है? नहीं, बिल्कुल खुल के विरोध का मतलब नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, कांग्रेस पार्टी के नीतियों और रीतियों का मैं सम्मान करता हूँ। जिस तरह जब इस संबंध में अरविंद सिंह चंदेल से, जो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष बनाए गए हैं, बात की गई तो उनका कहना था कि हमारे पार्टी के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं वह निराधार हैं, वह अपने गिरोबान में झांकें जो आरोप लगा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जिस पोलिंग में यह राम शिरोमणि सहवाल निवास करते थे उसमें कांग्रेस पार्टी कितना वोट पाई है, ऐसे व्यक्ति जो आरोप लगा रहे हैं उनकी नेता रेणु साय ने खुद ही दूसरे दलों से विधानसभा चुनाव व महापौर चुनाव लड़ा था, वह पार्टी विरोधी गतिविधियों में नहीं थी क्या? साथ ही अरविंद सिंह चंदेल ने कहा कि जो भी मनमुटाव है पार्टी में सब ठीक हो जाएगा, विवाद की ऐसी कोई बात नहीं है, हमें हमारे नेता अजय सिंह राहुल भैया व कमलनाथ जी ने हमें पदाधिकारी बनाया है, पार्टी के सभी लोग उनके निर्णय को स्वीकार करेंगे। और पार्टी और संगठन को मजबूत करें। रही बात कौन विरोध कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हमें जानकारी नहीं है, और जो विरोध कर रहा होगा सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं, बड़ा परिवार है, यदि कहीं किसी का कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम उसे बैठ आपस में मिलकर चर्चा करके ठीक कर लेंगे।
तरीके से आप शहर अध्यक्ष बनते ही जिस तरीके से आपके कांग्रेस पार्टी के लिए आरोप लगना शुरू हो गए, तो इसको किस नज़र से देखते हैं, कितना सही मानते हैं? हमें नहीं लगता कोई आरोप ऐसा लगा रहा होगा, और छोटी मोटी बातें कहीं कोई यदि कर भी रहा है तो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। हमें संगठन को मजबूत करना है, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे मजबूत करना है, और यदि किसी कार्यकर्ता यदि कोई वास्तव में है जो पार्टी की विचारधारा में है उसे हम बैठ के उसको सॉर्ट आउट करें।